ये हिंदुस्तान की सरजमीं का वो हिस्सा है जिसकी सूरज सबसे पहले कदम उसी करता है। अरुण अर्थात सूरज की पहली सरगर्मी का अड्डा है, इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं। अरुणाचल यानी सूर्य की पहली रोशनी से प्रकाशमान भूमि, प्राकृतिक सौंदर्य से आभूषित हमारे देश का गौरव, हमारे देश की पहचान। हिंदुस्तान की इस मनोहरी प्रांत की सुबह लोगों के मुख चिन्ह को अपनी सुनहरी किरणों से दीप्तमान कर आशा की नित्य नई कहानियां कह जाती है। यहाँ का ऊंचा उतंग पहाड़ बर्फ का शाही लबादा उड़े बादशाहों सा इतराया करता है। यहाँ के मठों से आते बौद्ध भिक्षुओं के मंत्र जाने कितने गुमराहों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अमन यहाँ का एक छत्र राजा है और प्रगति और समृद्धि इसके दरबार। अमन यहाँ का राजा है क्योंकि इसकी निगेबानी हम करते हैं, हम इसके प्रहरी हैं। हम यानी कि तवांग में तैनात हिंदुस्तानी सैनिक, हम यानी जज्बे और बहादुरी के वो पुतले जिसके रोम रोम में बसा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और सिर्फ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की रौनक में इजाफा करने वाला एक चमकता जेवर है। बौद्ध मतावलंबियों के इस उपासना स्थल में 8 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा जिस बेखटक ध्यान में बैठी है उसी को सहजते हैं। रोटेटिंग मिल के सामने अपनी प्रार्थनाओं में यहाँ जिस चैनों मन की मुराद रखते हैं, जिस शांति का दिया वो जलाते हैं, उसी के रक्षक हम हैं। तवांग से 92 किलोमीटर दूर ये गगनचुंबी बौद्ध स्तूप जो कि नेपाल के बोधिनाथ स्तूप से प्रेरित है, जिन्हें यहाँ की पुरातन लामा प्रथा का भव्य सबूत है। इस स्तूप का 186 फीट का आधार ठीक वैसा ही अडिग है जैसी कि देश के प्रति हमारी निष्ठा। यहाँ हर पल मुस्तैद हैं हम, क्योंकि यहाँ हवा में लहराता बौद्ध स्तूप का जो कीर्ति पताका आसमान से खुशगप्पियां कर रहा है, इसे यूं ही बेफिक्री की आजाद हवा में लहराते देखना चाहते हैं। सरहदी जंग पर बसा भारत का ये नयनाभिराम हिस्सा दुश्मनों की साम्राज्यवादी मंशा को डुबाता रहता है। भारत के इस दुनारे के साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो, आत्म आहूति के भाव से भरे सदैव सतर्क रहते हैं यहाँ। आइए आपको बताते हैं और भी वो वजह जिन्होंने हमें इस इलाके का शहदाई बना दिया है। ऐसी ही एक वजह है शुंगेश्वर झील, जिसे माधुरी झील के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान का हर हिस्सा तितली के पंखों सा है,
छूते ही हाथ में अपना धनक रंग छोड़ जाता है। कभी कुछ अपना लेता है तो कभी कुछ ले जाता है। शुंगेश्वर लेक नाम की इस खूबसूरत झील में माधुरी नाम तब अपना लिया जब मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित फिल्म कोयला की शूटिंग का हिस्सा बन इस दिल जोई फजा में आई। भूकंप से निर्मित इस झील में पुराने खुश्क दरख्त यूं खड़े हैं मानो सावधान की मुद्रा में हम सेना के जवान खड़े हैं। सुदूर उत्तर पूर्व के माणिकों में एक और माणिक है पैंगैंग टैंगसो जो शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ये झील झील नहीं है एक नाजनीन है जिसे रंग बिरंगा पैराहन पहनने का बड़ा शौक है। दिन के सफेद शफाक पहलू में ये झील नीला घूंघट ओढ़ लेती है तो बारिशों के मौसम में कोहरे की चादर। अक्टूबर के महीने में फूल इसके लिबास में रंग बिरंगे गोटे टांगते हैं तो सर्द हवाएं इसे बर्फ का उजला दुशाला पहना जाती है। हम इस इलाके की मिट्टी की ही नहीं यहाँ की संस्कृति यहाँ की परंपराओं की भी पहरेदारी करते हैं। स्थानीय नववर्ष पर तवांग में लोसार उत्सव जब मनाया जाता है तो हम भी खुद को हिंदुस्तान की इंद्रधनुषी संस्कृति में सराबोर कर लेते हैं। जनजाति की मोनपा संस्कृति के पारंपरिक नृत्य संगीत से ताल मिलाकर हम भी खूब नाच गाते हैं और थिरकते थिरकते करते हैं उस मान्यता को मजबूत जो कहता है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता मेलो मिल्लत मोहब्बत और खुलूस वाला देश है। नृत्य गायन प्रतियोगिताओं के मीठे समर से लदा तवांग उत्सव का जो छतनार पेड़ आज खड़ा है उसका बीज बोया गया था 16वीं शताब्दी में और तवांग संस्कृति का तो कहना ही क्या। ये संस्कृति हम भारतीय सेना के जवानों की तरह ही जीवंत है जो जाने कितने विप्लवकारी सदियों के गलियारे बांध कर हम तक आई है। तवांग का इलाका 500 से 600 ईस्वी तक मोम पार्किटन के समर्थ शासन के अधीन हुआ करता था। खूब फला फूला था तब ये। फिर यहाँ की सरजमी पर धीरे धीरे तिब्बत और भूटान की हुकूमत काबिज हो गई। 1844 में ब्रिटिश यहाँ के हुक्मरान बन बैठे। ब्रिटिश इलाकों के बाजारी करने माहिर थे। तवांग का वो इलाका जो हिमच्छादित पहाड़ों की ओट और हरियाली पेड़ों की झुरोट में छिपा बैठा था उसे दुनिया के सामने जाहिर कर दिया इन ब्रिटिश हुक्मरानों ने। नतीजन इस दिल फरेब इलाके का दीदार करने हजारों की तादाद में सैलानी यहाँ मंड गए। खूबसूरत तवांग पर सिर्फ पर्यटन प्रेमियों की नजरें ही नहीं बल्कि लोभित नजरें भी पड़ने लगी। शायद इसी वजह से ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन ने सन 1914 में इस इलाके की 890 किलोमीटर की हदबंदी कर डाली जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। शिमला अधिवेशन के त्रिगुटीय सम्मेलन में तिब्बत ब्रिटेन और चीन जिसका हिस्सा थे इन सभी शिरकत दारों ने भारतीय हदों को परिभाषित करती इस सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को अपनी स्वीकृति दी पर जाने क्यों आगे चलकर चीनियों को ये सीमा रेखा नागवार गुजरने लगी। अपनी आजादी के 3 साल बाद सन 1950 में जब भारत ने इस सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को वैधानिक अस्तित्व दे दिया तो साल भर पहले चीनी गणतंत्र का आजाद परचम फहराने वाला चीन और भी भड़क उठा।
देशों के आपसी रिश्तों की तल्खियां समय के साथ बढ़ती रहीं। 60 के शुरुआती दशक में ये तल्खी अपने परवान पर उस समय आ गई जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा अपने प्यारे वतन पर चीन के आधिपत्य को चुनौती देने